जिंदाबाद हथियार यूनियन जिंदाबाद ही डॉन डॉन ही डॉन डॉन भारत बंद डॉन डॉन आवाज दो जय जय हथियार यूनियन जिंदाबाद हथियार यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार मेरा नाम नंदीश्वर है, जनरल सेक्रेटरी है, इत्तेहाद यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है। कल रायनार डिवीज़न में एक्सीडेंट हो गया, वो काटेदान सेक्शन में शेख शमी आर्टिशन है, उन्होंने पोल पे चढ़ के लाइन को पकड़ लिए, लाइन शार्ट आके गिर गया। वो लाइन इंस्पेक्टर दासरादी उन्होंने ऑफिस में बैठ के LCDSO है, उन्होंने रॉन्ग LCDSO है, उन्होंने बच्चा पोल चढ़ के काम कर रहे तो लाइन को पकड़े तो नीचे गिर गए तो सीधा लेके आके यशोदा हॉस्पिटल में डालने के बाद में अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई भी नहीं है, DE साहब नहीं है ना AD साहब नहीं है, कोई भी कुछ भी रिस्पांसिबल नहीं है। आज के दिन उसका हाथ निकाल दिए सो है, उसके बाद से अभी तक कोई AD DE कोई भी रिस्पांसिबल आदमी आई नहीं है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं? आज हम मैनेज डिवीज़न ऑफिस में धरना दे रहे हैं। हम अभी तक कुछ रिस्पांस, बच्चे को, उसका बीवी को कुछ भी वो नहीं दे रहे। उसके वास्ते उसका बीवी को नौकरी देना, उसने कितने दिन हॉस्पिटल में उसका पेमेंट पूरा लाइन इंस्पेक्टर और DE साहब दोनों मिलके देना पड़ता। अभी उनका कंडीशन कैसा है? कंडीशन 50-50 है, नहीं बोल सकते, अभी भी नहीं बोल सकते। सर, मेरा नाम मीर बासित अली खान है, RR प्रेसिडेंट हूँ इत्तेहाद यूनियन का। काटेदान सेक्शन में शेख शमीम बोल के है, जो LC लिए, उनको LC देने वाले मालूम है दास रेड्डी रॉन्ग LC, फीड ऑफ 4 पे उन्होंने काम कर रहे मार दिए LC 5, उन्होंने ऑफिस में बैठ के दिए, उससे उनका पूरा हाथ जल गया, 50% बंट हो गया। वहाँ से यशोदा हॉस्पिटल को ले लेके गए, यशोदा हॉस्पिटल में ना DE साहब है, ना AD साहब है, ना कोई भी नहीं है, पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। यूनियन वाले ले आके एडमिट कराए, अब आज उनका सुबह में मॉर्निंग हाथ भी कट कर दिए, उनके दोनों किडनियाँ भी फेल हो गए बोल के, जो ऊपर से गिरे थे दोनों किडनियाँ भी फेल हो गए बोल के। कम से कम DE साहब तो आना, आके मालूम है दवाखाने में देखना या बात करना, या हमारे से तो भी बात करना, या उनके फैमिली वालों से तो बात करना, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे, ना AD उठा रहे, ना DE उठा रहे, ना कुछ भी नहीं। मैनेजमेंट मालूम है पूरा छुपके बढ़ गया, कुछ भी कलेक्शन होना है तो आर्टिजन होना, बिलिंग होना तो आर्टिजन होना है, ब्रेकडाउन होना तो आर्टिजन होना, कंप्लेंट होना तो आर्टिजन, 24/7 आर्टिजन काम करना। मगर आर्टिजन को कुछ प्रॉब्लम आया तो ऑफिसर नहीं आता, अच्छा हुआ तो ऑफिसर करा, ख़राब हुआ, कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो पलट के नहीं देखते, ना ऑफिस में आके बैठता। एक्चुअली उनकी 9-to-5 ड्यूटी है, अब तक उन्होंने नहीं आए, सुबह से बैठे हुए, कल भी सारा दिन हॉस्पिटल में थे, कोई भी नहीं आए अब तक। अब ये अमूमन तौर पे जब इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ते हैं तो उसको जो है लाइट ऑफ कर देते हैं। जी हाँ, वो आप उन्होंने LC RTGN को नहीं मिलती, लाइनमैन को या लाइन इंस्पेक्टर को मिलती, वो एरिया में लाइनमैन नहीं है, लाइन इंस्पेक्टर LC लिए, लेके रॉन्ग LC लिए, एक्चुअली वो है 4-5 लिए LC, ले के मालूम है गलत LC पे उनको चढ़ा दिए, उन्होंने बैठ के ऑफिस में बैठ के LC लिए। एक्चुअली क्या है बोले तो, DE साहब से बात करने का मतलब क्या है बोले तो, हमारे को RTGN को 5 lakh rupees ही चाहिए मेडिकल के। जो हादसा हुआ, गलत इंफॉर्मेशन LC देने की वजह से दास रेड्डी लाइन इंस्पेक्टर जो है उन्हें गलत LC ले, राजेंद्र नगर डिवीजन है, काटेदान सेक्शन में हुआ वो, और जो एक्सीडेंट हुआ शेख शमीम बोल के है, आर्टिजन Grade 4 है। आप लोग ये जो धरना दे रहे हैं उनके इंसाफ के लिए दे रहे हैं? उनके इंसाफ के लिए दे रहे हैं। डिपार्टमेंट मालूम है 5 lakh rupees मेडिकल देता है, उसके बाद उनका मेडिकल रुक गया तो प्रॉब्लम होता है, DE साहब आके एक लेटर पे लिख के जो भी मेडिकल का हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, डिपार्टमेंट देखता बोल के लिख के देना हमारे को। डिपार्टमेंट से कोई भी अलावादेदार नहीं आया? अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं है। तो आप लोग कंप्लेंट कुछ करें? अब PS में कंप्लेंट करे दास रेड्डी के ऊपर, उनको मालूम है सस्पेंड करे बोल के, कल 7 बजे हमारे को व्हाट्सएप। कार्मिक ऐक्यता,